सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली गोल सेटिंग क्या होती है, गोल सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हमने कोई गोल्स को सेट करा है तो हम उसे अचीव कैसे कर सकते हैं। आज हम इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया है, साथ ही साथ जो पुराने लोग हैं जो काफी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं गोल सेटिंग के बारे में। सो गोल सेटिंग के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अभी इस वीडियो में आपको मैं जो भी चीजें बताने वाला हूं गोल सेटिंग के ऊपर, बहुत ही आसान शब्दों के साथ समझाने वाला हूं, बिल्कुल भी मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा अदर्स वीडियो की तरह। देखो, हो सकता है आपने आज से पहले बहुत सारे आपने गोल सेटिंग के ऊपर आपने वीडियोस देखी होंगी, है ना। हो सकता है आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी ना मिला हो सकता है आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी मिला भी होगा, बट इस वीडियो को देखने के बाद आई एम 100% श्योर आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी और आपको कोई और दूसरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बट इसके लिए आपको सिंपल सी चीज क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और नोट्स भी बनाना है, ठीक है, तभी जाकर आपको सारी चीज अच्छे से समझ आने वाली है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली गोल सेटिंग क्या होती है, ठीक है। देखो, अगर मैं गोल सेटिंग को एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं, एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, तो गोल सेटिंग देखो एक निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है कि एग्जैक्टली आप अपने लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो, इसे हम बोलते हैं गोल सेटिंग। ओके, मींस प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, ओके, इसे हम बोलते हैं गोल सेटिंग। ओके, सो आई होप आपको एक लाइन में अच्छे से समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली गोल सेटिंग हम कहते किसे हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं व्हाई गोल सेटिंग, ओके, कि हमें गोल सेट क्यों करना चाहिए, ठीक है, गोल सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं होता कि गोल सेट क्यों करना होता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग अपने लाइफ में गोल सेट नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपको भी पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली गोल सेट करते क्यों है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली हमें गोल सेटिंग करना क्यों चाहिए, ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा और इसके बाद आप गोल सेट डेफिनेटली करोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब तक आप अपने देखो लाइफ में अगर आप गोल सेट नहीं करोगे ना, तो आपने अपने लाइफ में जो भी ड्रीम्स आपने सोचा है कि मुझे ये पूरा करना है, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ओके, देखो, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ आप सपना लेकर आए होगे इस बिजनेस में कि मेरे को यहां से ये सपना पूरा करना है, राइट। तो मैं आपको कट एंड क्लियर बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपके वो ड्रीम्स पूरा हो, आपके वो सपने पूरे हों, तो इसके लिए आपको पहले गोल सेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट गोल सेटिंग आप अपने ड्रीम्स को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए गोल सेटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, दूसरा रीजन ये है गोल सेटिंग करने का कि जब हम गोल सेट करते हैं ना, तो गोल सेटिंग हमें हेल्प करता है कि एग्जैक्टली हम अपने लाइफ में जाना कहां चाहते हैं। ओके, बोलते हैं जिस इंसान के पास लाइफ में कोई गोल नहीं होता ना, वो जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है और वो पूरी जिंदगी में कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इसलिए लाइफ में ना एक गोल बनाना जरूरी है कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में जाना कहां है, ठीक है। इसीलिए गोल सेटिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड तीसरा रीजन ये है गोल सेटिंग करने का कि जब आप गोल सेट करते हो तो आपको लाइफ में ना एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको जाना किधर है। बहुत सारे लोगों के पास ना लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि उन्हें जाना कहां है, उन्हें पता ही नहीं है कि कहां जाएं, ठीक है। वो बस चलते जा रहे हैं बट उन्हें पता नहीं है कि जाना कहां है। ओके, इसीलिए गोल सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिले, ठीक है। चौथा रीजन ये है गोल सेटिंग करने का कि आपके लाइफ का जो कंट्रोल है ना, आपके हाथों में होता है, ठीक है। जिसके लाइफ में ना कोई गोल नहीं होता ना, उसके लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में होता ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं उन्हें जाना कहां है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको जाना कहां है, तो सिंपल सी बात है, आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथों में ही होगा, राइट। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से गोल सेटिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इन सभी पॉइंट्स के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ना हमें गोल सेटिंग करना चाहिए। जैसे अगर आप गोल सेटिंग करते हो तो आपके ना ये फोकस को इंक्रीज करेगा, आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करेगा गोल सेटिंग, है ना, आपके प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा एंड आपके कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है जब आप अपने लाइफ में गोल सेटिंग कर लेते हो, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमें अपने लाइफ में गोल सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा गोल कैसा होना चाहिए, ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, हमारे लाइफ का जो गोल है ना, वो एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। ओके, अब ये स्मार्ट गोल का क्या मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, ओके, एंड आर का मतलब होता है रिलीवेंट एंड टी का मतलब होता है टाइम बॉन्ड। ओके, इसे हम बोलते हैं स्मार्ट गोल, ठीक है। अब आइए हम एक एक करके बात करते हैं कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। अब ये स्पेसिफिक गोल का क्या मतलब है, स्पेसिफिक गोल का मतलब होता है क्लियर गोल कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। जैसे मान लो अगर आपने सोचा कि मुझे वेट लूज करना है, ठीक है, आपने सोचा मुझे वेट लूज करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको वेट लूज करना कितना है,
ठीक है, 1 kg करना है, 2 kg करना है, 5, 10 kg करना है, कितना करना है ये नहीं पता। अगर आपको ये नहीं पता तो ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कितना करना है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक गोल। ठीक है, जैसे आपने लाइफ में सोचा कि मुझे अमीर बनना है, तो ये कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली पैसा कितना चाहिए। ओके, इसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली स्पेसिफिक गोल। ओके, कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आपको क्लियर होना चाहिए कितना करना है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है। सो अब हम बात करते हैं एम। एम का मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब ये कि जिसे आप मेजर कर सको, मतलब आप ये देख सको कि आप अपने गोल से कितने दूर हो। जैसे हम वेट लॉस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने सोचा कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है, 10 केजी हमें वेट कम करना है, ठीक है, जिसमें से आपने 7 केजी कम कर लिया, लेकिन अभी 3 केजी और बचा है, राइट। तो यहाँ पे हम मेजर कर पा रहे हैं कि हमें और कितना करना है, ठीक है, और हम अपने गोल से कितने दूर हैं, राइट। तो इसे हम बोलते हैं मेजरेबल गोल। ओके, सो आपको लाइफ में ऐसा गोल बनाना जिसे आप एग्जैक्टली मेजर कर सको। जैसे मान लो आपको सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, ठीक है, उसमें हमें पता है कि 25 सीसी करनी होती है। अगर आपने 15 सीसी कर लिया, तो अभी आपको यहाँ पे पता है कि मुझे और अभी 10 सीसी करनी है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ें, हम मेजर कर पा रहे हैं चीज़ों को कि हम अपने गोल से कितने दूर हैं, ठीक है। अगर आपने ये गोल बनाया कि आपको सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक मेजरेबल एंड स्पेसिफिक गोल दोनों है। ओके, सो इसे हम बोलते हैं मेजरेबल गोल। ओके, सो आई होप आपको एम का मतलब, मेजरेबल का मतलब भी समझ आ गया होगा। सो अब हम बात करते हैं ए। ए का मतलब होता है अचीवेबल। देखो, जब भी आप लाइफ में आपको गोल बनाना है, तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सको। मान लो आपने कोई एक ऐसा गोल बना लिया जिसे आप अचीव ही नहीं कर सकते, तो ऐसे गोल बनाने का क्या फायदा जिसे आप अचीव ना कर सको। जैसे मान लो कि आपने कभी लाइफ में ना कभी रनिंग नहीं करी है। ओके, आपने कभी लाइफ में कभी रनिंग नहीं करी, लेकिन आज आपने ये सोचा कि आज ना मैं 50 किलोमीटर दौड़ूंगा या मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ये अचीवेबल नहीं है, ये अचीव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा एक अचीवेबल गोल बनाना है। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा ए का मतलब क्या, अचीवेबल, जिसे आप अचीव कर सको। ओके, इसके बाद आता है आर। आर का मतलब होता है रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी गोल सोचा है अचीव करने के लिए, उस गोल को आप अचीव क्यों करना चाहते हो, ठीक है। व्हाई शुड यू अचीव दिस गोल, आपको इस गोल को क्यों अचीव करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं रिलीवेंट गोल। ओके, इसके बाद आता है टी। टी का मतलब होता है टाइम बॉन्ड, ठीक है, कि आपने जो भी गोल सोचा है उस गोल को आपको कब तक पूरा करना है ये पता होना चाहिए। मतलब ड्यू डेट क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, टाइम लिमिट क्या है आपके गोल का, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम वेट लूज वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने सोचा कि मुझे ना 3 महीने में 10 किलो वेट कम करना है, तो ये एक टाइम बॉन्ड गोल है, ये एक टाइम लिमिट गोल है, क्योंकि इसमें एक लिमिट है कि मुझे 3 महीने में 10 किलो वेट कम करना है, ठीक है, तो इसमें एक फिक्स टाइमिंग दिया हुआ है। ओके, तो आपका जो भी गोल होगा उसका एक टाइमिंग होना चाहिए कि आप उस गोल को कब तक पूरा करना चाहते हो, टाइम बॉन्ड क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसे हम बोलते हैं टाइम बॉन्ड गोल। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमें किस तरह का गोल बनाना है, तो हमें स्मार्ट गोल बनाना है। सो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा गोल कैसा होना चाहिए, राइट। तो मैंने आपको बताया कि हमारा एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। जब भी हम कोई गोल्स बनाएंगे तो कैसा गोल बनाएंगे, स्मार्ट गोल बनाएंगे, राइट। सो अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली गोल्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। देखो, 2 तरह के गोल्स होते हैं जिसे हमें बनाना है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब ये होता है कि 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म गोल का मतलब होता है 1 साल से लेके 5 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल, राइट। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी चीज बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म गोल के अंदर में आप कौन कौन से गोल्स रख सकते हो जिसे आप अचीव कर सको, एंड लॉन्ग टर्म गोल में आप कौन कौन सी चीजें रख सकते हो जिसे आप अचीव कर सको, ठीक है। ये बताने से क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा खुद का गोल सेट करने में, कि एग्जैक्टली आपको शॉर्ट टर्म्स गोल में क्या क्या चीजें चाहिए और लॉन्ग टर्म में आपको कौन कौन से गोल अचीव करने हैं। इसलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ शॉर्ट टर्म्स गोल्स का एंड कुछ लॉन्ग टर्म्स गोल्स का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि सर गोल शॉर्ट टर्म्स गोल्स में क्या क्या चीजें लिखूं, पता ही नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा खुद का गोल्स बनाने में, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। देखो, शॉर्ट टर्म्स गोल्स के अंदर में आप बहुत सारे गोल्स बना सकते हो, ठीक है, जिसे आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स गोल्स में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप मोबाइल हो सकता है, ठीक है, लैपटॉप हो सकता है, बाइक हो सकता है, ठीक है, मैकबुक हो सकता है, ठीक है, आपका कोई फेवरेट वॉच हो सकता है, ठीक है, लोन या ईएमआई अगर भरना वो भी एक शॉर्ट टर्म गोल का पार्ट है, घर के लिए हो सकता है कुछ सामान ले सकते हो जिस चीज की भी घर में कमी है, लाइक हो सकता है टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, व्हाटएवर, ये भी एक गोल्स में आप लिख सकते हो, ठीक है, घर के सामानों को आप खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है ट्रैवलिंग करना हो, छोटे मोटे जगह आप घूमने जाना चाहते हो विद पेरेंट्स, ये भी एक शॉर्ट टर्म गोल का पार्ट है,
ओके okay, हो सकता है कि आप कोई लेवल अचीव करना चाहते हो, आप जिस भी कंपनी का पार्ट हो, ठीक है, हो सकता है आपको कोई लेवल अचीव करना हो 6 महीने के अंदर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है शॉर्ट टर्म्स गोल्स में, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो, और अभी आप जो भी आपको अचीव करना हो, ठीक है, आपको खुद से भी लिख लेना। मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिया कि आप शॉर्ट टर्म्स गोल्स में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल में। सो लॉन्ग टर्म गोल में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, सबसे पहले इनकम, कि आपको कौन से इनकम पे पहुंचना है 5 साल के अंदर, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितने इनकम पे पहुंचना है, वो आप लॉन्ग टर्म गोल में लिख सकते हो, ठीक है। आपका कोई ड्रीम कार हो जिसे आप खरीदना चाहते हो, वो भी आप लॉन्ग टर्म गोल में लिख सकते हो। आपका कोई एक ड्रीम हाउस हो जिसे आप बनाना या खरीदना चाहते हो, ठीक है, ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल का पार्ट है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका एक सपना हो कि मुझे बहुत सारे जमीन खरीदने, लैंड परचेस करना है, ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल का पार्ट है। हो सकता है आपको वर्ल्ड टूर करनी है, ठीक है, ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल का पार्ट है, ठीक है। या फिर इंडिया की ट्रैवलिंग करनी है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपको करनी है, जो कि आप हमेशा से चाहते हो कि उस जगह पे काश मैं घूमता, ठीक है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म गोल का पार्ट है, ठीक है। सो मैंने आपको कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स के भी एग्जांपल मैंने बता दिए, जिसको आप अपने डायरी में लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आपका जो और भी कुछ होंगे ड्रीम्स जो आप पूरा करना चाहते हो, उसको भी आप लॉन्ग टर्म गोल में लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए ताकि आपको थोड़ा आसानी हो अपना गोल सेट करने में, ओके। सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म गोल में हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं जिसे आपको अचीव करना है, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको क्या क्या चीजें लिखना है जिसे आपको फ्यूचर में अचीव करना है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू अचीव योर गोल्स, कि आप अपने बनाए गोल्स को अब आप अचीव कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो ना, तो मेरे पास 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके ना मैंने अपने बहुत सारे गोल्स को ना पूरा करा है, ठीक है, तो आप भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, आपको इंप्लीमेंट करना है इस 3 पॉइंट को, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, राइट योर गोल। सबसे पहले आज के आज आपको क्या करना है, आपका जो भी शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है उसको अपने डायरी में लिखना है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक पर्सन है स्टीव मराबोटी, वो एक बात बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई गोल है तो आप उसको लिखो, अगर आप अपने गोल्स को नहीं लिखते हो ना, तो आपका जो गोल है वो गोल नहीं है, वो एक विश है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। विश का मतलब क्या होता है कि चलो अगर ये पूरा हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन अगर आपने कोई गोल सेट करा है इसका मतलब ये होता है कि वो पूरा करना ही करना है कोई भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा तो होना ही होना है, लेकिन विश का मतलब वो नहीं होता। विश का मतलब चलो हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ठीक है। इसीलिए आपको अपने गोल्स को आज के आज लिखना है, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अदरवाइज अचीव नहीं कर सकते हो। मैं ना आपको एक सर्वे बताता हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। जब एक बार वहाँ पे एक सर्वे हुआ, जब बच्चों की एग्जाम्स खत्म हुई ना, तो वहाँ पे एक सर्वे हुआ, तो सर्वे से ये पता चला कि वहाँ के 83% जो स्टूडेंट थे ना, उनके पास कोई गोल नहीं था, ठीक है। 83% स्टूडेंट्स के पास कोई भी गोल्स नहीं था, ठीक है। एंड 14% जो स्टूडेंट्स थे उनके पास गोल तो थे, बट उनके गोल्स ना माइंड में थे, लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, वहीं डायरी में उन्होंने लिखा नहीं था। एंड 3% जो स्टूडेंट थे ना, उनके जो गोल्स थे उनके डायरी में लिखा हुआ था। तो बाद में ये पता लगा कि जो 3% वाले जो स्टूडेंट थे, जिनके जिनके गोल्स उनके डायरी में लिखे हुए थे ना, ठीक है, बाकी लोगों से, ठीक है, बाकी 97% लोगों से वो 30% ज़्यादा सक्सेसफुल थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो 3% वाले जो लोग थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने गोल्स को अपने डायरी में लिखा था। दैट्स वाई ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल थे 97% लोगों से। इसीलिए आपको अपने लाइफ में गोल्स जो भी है, आपके लाइफ का गोल्स जो भी है, या आप जो अभी आप बनाओगे उसको डायरी में लिखो, आज के आज उसको डायरी में लिखो, तभी वो अचीव होगा, अदरवाइज अचीव नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट्स बताया, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो वो क्या है, राइट योर गोल एज सून एज पॉसिबल, ओके। सो अपने डायरी में अपने गोल्स को लिखने के बाद जो आपको दूसरा काम करना है वो है मेक अ प्लान। अब आपको प्लान बनाना है, प्लान कैसे बनाना है, जैसे मान लो आपने ये सोचा कि हमें 2 महीने में सुपरवाइजर लेवल करना है, तो सुपरवाइजर लेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें 12 AS बनाने पड़ेंगे। अब ये 12 AS बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों को कॉल्स करना पड़ेगा, कितने लोगों की मिनिमम बिलिंग्स करवानी पड़ेंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपको प्लान बनाना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लान बनाना। या फिर मान लो आपको मोबाइल फोन लेना है 50,000 का अगले 3 महीने में, तो आपको ये सोचना है कि 50,000 अगर मुझे कमाने हैं तो इसके लिए हमें कितने AS बनाने पड़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको प्लान बनाना है, तब जाके आपका गोल अचीव होगा, ओके। एंड तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इन तीसरा पॉइंट को अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो आपका बाकी का जो 2 पॉइंट है ना वो बेकार है। आपका लिखा हुआ गोल्स बेकार है, आपका बनाया हुआ प्लान्स बेकार है, अगर आपने ये तीसरा काम नहीं किया। वो तीसरा काम ये है कि आपको अपना आपका जो डेली एक्टिविटी है ना उसको आपको परफॉर्म करना है एवरी डे। एक दिन भी ऐसा मिस नहीं होना चाहिए कि आपने अपना डेली एक्टिविटी नहीं किया है। बहुत सारे लोग लाइफ में अपने गोल्स को अचीव इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो डेली एक्टिविटीज होता है ना वो डेली बेसिस पे परफॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए उनका बनाया हुआ गोल्स भी अचीव नहीं होता है, ओके।
सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली आप अपने गोल्स को अचीव कैसे कर सकते हो, राइट? बस आपको क्या करना है, आपको ये तीन पॉइंट्स को फॉलो करना है, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर्स में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने लाइफ में एक गोल्स बना सके, ताकि वो अपने लाइफ में जो भी उनके ड्रीम्स है उस ड्रीम्स को वो पूरा कर सके, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो और ज्यादा अच्छी लगी है तो मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जब तक आप कॉमेंट नहीं करोगे मेरे को पता कैसे लगेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है? तो कॉमेंट जरूर कर देना, लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है? ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कितना ज्यादा पसंद आ रही है, ठीक है? सो आपने ये तो सीख लिया कि एग्जैक्टली गोल्स किस तरीके से बनाने होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया कि आपको अपने डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? सो अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक नेटवर्क मार्केटर का डेली एक्टिविटीज क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को पहले अभी जाके बैठ के देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी डेली एक्टिविटीज है जो आपको डेली बेसिस पे करना है, ठीक है? सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।